देखो पन्ना, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, उनमें से कोई भी चेहरा पहचान सकती हो तो। समीर, हादसे की सुबह 5:30 और 6 के बीच जिसे तुम्हारी माँ बलात्कार कह रही है, उस हादसे के वक्त तुम कहाँ थे? ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट, नजरिए की बात करो, मेरे नजरिए में आरोपी ये भी हो सकता है। कैसी हो? नाम क्या है तुम्हारा? पन्ना। मैं कुछ सवाल करूंगी तुमसे। जब तुम वहां पहुंची तो कितने बजे थे? मैंने कहा कितने बजे पहुंची थी तुम वहां? सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं? देखो पन्ना, केस मजबूत करने के लिए तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो भी हुआ सब बता दो, हम उन दरिंदों को सजा दिलाकर ही रहेंगे, ये वादा है हमारा। दीदी, हमारे घर में घड़ी तो नहीं है, पर सुबह अंधेरे का समय था और कोई जल्दी नहीं है पन्ना, और घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से। मैं जैसे ही काम करने बैठी तो आवाजें, मैं दबे पांव उन आवाजों से दूर भागने लगी, पर भी नहीं पता कि कब और कैसे उन्होंने मुझे घेर लिया। और देखो पन्ना, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, उनमें से कोई भी चेहरा पहचान सकती हो तुम। बहुत अंधेरा था, पर शायद अगर वो वापस सामने आए तो मैं पहचान जाऊंगी। ठीक है, तुम अभी आराम करो, मैं फिर से आऊंगी। और घबराना मत, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। यहाँ आ रहे? यहाँ
बेशरम तो तुम हो ही। कर भगवान ने क्या होमवर्क में कहा था कि बेटा बेशरम के साथ में बेवकूफ भी बन जाओ? जाने दो ना बाप जी, चुप। लड़के हैं, कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं। चुपचाप से बैठ। इस कांड में जितना तेरा हाथ है मुझे पता है। कह रहे क्यों मारे हम तुमको मालूम है? अबे अपने ही गांव की लड़की मिली थी क्या तुम्हें? हैं? आसपास के गांव की सब लड़कियां मर गई थी क्या? जो करना था वहां जाके कर लेते तो हम संभाल लेते यहाँ पे अच्छे से। भूल हो गई बाबा जी। अरे भूल हो गई, अब संभालना तो हमको पड़ेगा ना। सुनो देखो एक ही रास्ता है, तुम तीनों के तीनों इस गांव से कहीं दूर चले जाओ, समझे? चलो। अबे जाओ, अब क्या बस अड्डा तक छोड़ के आए? और सुनो, जब तक कोई संदेश ना मिले ना, हमें अपनी शक्लें मत दिखाना। चलो निकलो। बाप जी अब हमको बहुत सोच समझ कर चलना होगा। ये मढ़ोक जो है ना बहुत ही चालाक पुलिस ऑफिसर है। अरे मढ़ोक की क्या मजाल, हमसे होड़ लेगा तो आप बर्बाद हो जाएगा। वो जहां तक हमने उसको देखा है वो हार मानने वालों में से नहीं है। बहुत डरते हो मढ़ोक से? डरता नहीं हूं, तपता हूं बाप जी, तपता हूं, बदले की आग में तपता हूं। जो सलूक उसने हमारे साथ किया है। पसीना देखकर हम समझ जाते हैं कि ये पसीना जो है वो कोशिशों का नतीजा है या काम चोरी का। एक काम करो, जरा अपने साहब को और उनके दोस्त को हथकड़ी लगाकर हेडक्वार्टर लेकर आओ। दिगंबर तुम्हें अब मालूम पड़ेगा कि कानून किसे कहते हैं। उसने जो तुम्हारे साथ किया वो औपचारिक तरीके से किया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कारण कोई भी हो, औपचारिक या अनौपचारिक। हमें तो सिर्फ अंजाम से मतलब होता है और हम वो ही अंजाम स्वीकार करते हैं जो हमें पसंद हो। अब तुम जाओ, हम ध्यान में बैठेंगे। हिंदी में समझाएं क्या? गेट आउट, आउट। साहब, विनोदनी शर्मा नाम है हमारा और ये हमारा बेटा। आगे आओ। समीर नाम है ना इसका? जी जानते हैं हम इसको। बैठिए आप। कैसे? आप जिनके शिष्य हैं बाबा पहलवान, वो हमारे बड़े खास मित्र हैं। ये बहुत बढ़िया है, तब तो आप ही हमारी परेशानी मिटा सकते हैं। हम कोशिश जरूर करेंगे आपकी परेशानी मिटाने की। बताइए क्या समस्या है? का बताएं साहब, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारी होने वाली बहू के साथ का हुआ है कोई बताने के लिए राजी नहीं है, और गांव का बच्चा बच्चा जानता है। क्या जानता है? जानते तो सब हो साहब, फिर हमसे पहली कहां बुझा रहे? अरे हम कह रहे हैं हम रेप हुआ है, रेप बलात्कार। माँ तू चुप रह। गलत बात, बलात्कार नहीं हुआ, हमला हुआ। और आपको सर्टिफिकेट चाहिए? तो कहा हम सच्चाई भी जानने का हक नहीं रखते? तुम्हारे इस बारे में क्या राय है समीर? सर मेरा दिल ये कहता है कि जो भी हो उसमें पन्ना का कोई दोष नहीं है। तू चुप रहे। आप चुप रही है मिसेज शर्मा, बोलो। बस मुझे इतना ही कहना था। तुमने बिना बोले सब कुछ कह दिया समीर। साहब ये दिल की बातें ना सुनने में बड़ी मीठी लागत है। अरे बिरादरी में तो हमको रहना है। फर्ज कीजिए कि आपके परिवार की किसी महिला के साथ यही हादसा होता, तब भी आप यही कहती? देखिए साहब, आप हमको ना कठोर दिल की महिला समझ रहे हैं, पर ऐसा है नहीं, हमारी चिंता बिल्कुल जायज है। अरे वो हादसे की वजह से पेट से हो गई तब? बलात्कार नहीं हुआ है। पर हमारा नाम तो मिट्टी में मिल गया। नजरिए की बात है ये। आपको सबूत दूंगा मैं, फिलहाल मुझे समीर से कुछ पूछना है। समीर
हादसे की सुबह 5:30 और 6 के बीच जिसे तुम्हारी माँ बलात्कार कह रही है, उस हादसे के वक्त तुम कहाँ थे? ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट, नजरिए की बात करो। मेरे नजरिए में आरोपी ये भी हो सकता है। अगर सोचिए कि एक रात के लिए मैं आपके बेटे को हवालात में डाल दूं इसी हादसे के आरोप में जिसे आप बलात्कार कह रही हैं, और इसका कानूनी हक मुझे कानून देता है। आप सोचिए, लोगों का नजरिया आपके बेटे के लिए अब क्या होगा? नजरिया बदला आपका? हम सब समझ रहे हैं, इकी का बचावे खाती ना सारा खेल खेला जा रहा है। बात सिर्फ पन्ना की नहीं है डॉक्टर स्नेहा माथुर, वो इस षड्यंत्र की कड़ी है। चल बेटा। अच्छा, बात तो आपने बिल्कुल सही कही मिसेस शर्मा, पर पत्ते इतनी जल्दी क्यों खोले आपने? मतलब? अब हमें सब पता चल गया कि आप लोगों को सब कहां से और कैसे पता चला। अदालत में मुलाकात होगी अब आपसे। चल। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। तो बुआ जी, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। और मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, आपकी और बुआ जी की सेवा में। तो दोनों मिलकर बोलते हैं, चलो। दोनों मिलकर पहना देंगे ढोंग को अब हथकड़ी, बदलेंगे वो सोच जिसमें हींग लगे ना फिट करी। बुआ जी, हाँ। ये भी एक तथ्य है, सोच बदलेगी तभी सोच की आदत भी बदलेगी, है कि नहीं? हाँ, लेकिन गैरों से क्या करें गिला, जब अपनों से ही नहीं मिला सिला। मतलब हमें अपने ही नहीं समझते? तो शायर हो गई, लेकिन इसका मतलब भी समझा दो। अरे मतलब ये कि वो दमयंती है ना ठकुराइन, अरे लीला की चाची। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे कब से अपने फोन पर लाइन धरे बैठी हैं। अच्छा हाँ, बोलिए दमयंती जी, क्या कहना चाहती हैं? हम ये पूछना चाहते थे कि खुले में शौच करने में क्या बुराई है। देखिए ना, एक तो खुले में शौच करने से ताजी हवा का आनंद मिलता है, दूसरा बदबू महसूस नहीं होती। अरे दमयंती जी, इस सवाल का जवाब तो मक्खी भी जानती है। तो मक्खियाँ हमसे ज्यादा अकलमंद है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर मक्खी की 6 टांगे होती हैं और आरी की नोक की तरह। हाँ तो अब तो देखिए, वो खुले में पड़े हुए, अरे बोला भी नहीं जा रहा मुझसे तो। देखिए, जब वो खुले मल पर बैठती हैं तो उनकी टांगों पर मल चिपक जाता है। ये तो होना ही था। फिर? अरे फिर वही मक्खी टहलते हुए उड़ते हुए हमारे रसोई घर में पहुंच जाती है और हमारे पकाए हुए खाने पर बैठती है और परोसी हुई थाली पर भी बैठ जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि आप क्या खा रहे हैं, दाल मखानी कि दाल मक्खानी? मक्खी वाली दाल। अच्छा, तो आप ये कह रही है कि जो खुले में शौच करके आएगा वही उसके भोजन में मिश्रित हो जाएगा? देखिए दमयंती जी, बहुत सीधी सी बात है, रोज भोजन में जैसी भरनी वैसी करनी। छी छी। भाई शौचालयों में होती है खिड़की बली बाती, इसलिए अब शौचालयों में भी बदबू नहीं आती। बिल्कुल सच कहा। जी जी, तो सुन रही है दमयंती जी? जी हाँ, मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि खुले में शौच करने से हमारा स्वास्थ्य कितना खराब होता है। खुले में की शौच तो सेहत को दे दबोच, क्यों मुन्ना? हाँ, बेशक, फैसला हम करेंगे, जिंदगी चुनो, गंदगी नहीं। बुआ जी और मुन्ना लेंगे सबकी खैर, सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। एनी टाइम एनीवेयर एनीवेयर। और याद रहे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आपकी सेवा में है, आप उनसे जुड़े रहें, उनका साथ दें। थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग? चलो घर चलो, आ जाओ।
का स्नेह। नमस्ते। आइए। हाँ। आओ। आइए स्नेहा जी, आइए। माँ, बाबू जी, यही है डॉक्टर स्नेहा माता। नमस्ते। नमस्ते। बेटा, हम गरीब किसी को क्या देंगे हमारी दुआओं के अलावा? आपने तो हमारी पन्ना को नया जीवन दिया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने क्या किया है? वैसे भी जीवन को खुद पन्ना जैसी बहादुर लड़कियों की बहुत जरूरत है। इन्हें क्या हुआ है? वही जो सारे घर में बसी है, बीमारी। इन्होंने तो बिस्तर धर लिया है और मैं भी कमजोर रहती हूँ। बस ये मेरा बेटा ही है मिहिर, जो श्रवण की तरह सबका बोझ अपने कंधों पे ले रहा है। क्या आप लोगों ने किसी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या अस्पताल में अपनी जांच करवाई है? क्या जरूरत है बेटा, किस्मत का भला कोई तोड़ बना है आज तक? फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। कैसे? वैसे ही जैसे सारे करते हैं, बाबा जी के चरणों में शरण लेकर। स्नेहा जी, ये बाबा जी ही इस घर की बीमारी है। अरे चुप कर, पाप लगेगा हम सबको। हमारे पास जो कुछ था सब कुछ बेच दिया ना पन्ना के दहेज के खातिर, तब भी पैसा पूरा हुआ का? अगर बाबा जी ने मदद ना की होती, पैसा कभी पूरा नहीं होता। ये रिश्ता नहीं सौदा है। यही भाग्य है पन्ना का और इसका कोई इलाज नहीं है। कितना कर्जा है आप पर बाबा पहलवान का? बाबा जी ही इसका हिसाब नहीं रखते तो हम कैसे रखेंगे? देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अरे राम प्यारी, राम प्यारी, मैं फिर कभी आती हूँ। अरे कहाँ मर गई? समधन जी। कौन समधन रे? कैसी समधन? मर गई तेरी समधन? ये आप क्या कह रही है समधन जी? अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अहंकार तो देखो मेम साहब का। तू क्या लगा कि तेरी अपवित्र लड़की को हम अपनी दुल्हन बना लेंगे? जो हुआ है उसके बाद हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। माँ। तो चुप कर। लेकिन क्यों? अच्छा, अभी हो बतावे क्यों पड़ी है? तेरी लड़की ब्याहता तो है ना, है? अब तो कुवारी भी ना रही। ये झूठ है माँ, मैं मानता हूँ उस पर हमला हुआ, लेकिन कुछ भी होने से पहले आंगनवाड़ी दीदी ने शोर मचा दिया। ये सुन लो इनकी दलीलें। राम प्यारी, तू तो भली भांति जानत है कि लड़की की इज्जत के साथ साथ परिवार की भी इज्जत लूट जाते हैं। वहाँ जब जब पन्ना के भैया कह रहे हैं तो चुप कर। का हुआ और का ना हुआ तू वहाँ खड़ा होकर देख रहा था? मगर मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है माँ। मेडिकल रिपोर्ट कोई मूर्छक दवा है जो लोगों के जुबान पे लगा दो और सबकी जुबान सुनना हो जाएगी? मैं विनती करती हूँ आपसे, और ये रिश्ता तो बाबा जी ने स्वयं तय किया था ना? तो बाबा जी के आशीर्वाद से ही ये रिश्ता को हम तोड़ रहे हैं। लेकिन बस, हमको जो कहना था ना हम कह चुके। बस माँ, अब मैं बोलूंगा। का बोलोगी तू?
हमने जो आपको दहेज के लिए रकम दी थी हमको वो वापस चाहिए। तो सुनो, सगाई से लेकर अब तक इस भिखारी परिवार में ना जो भी इज्जत मिली है ना इस गांव में, हमारी वजह से मिली है, हमारी वजह से। तू उस रकम को इसका हर जाना समझ ले। आ गया समझ में बेटा? पन्ना तू तो चल हमारे साथ, बताएंगे तुमको पन्ना। एक अफवाह के चलते पन्ना का रिश्ता टूटने को है। लड़की अगर बेवजह भी बदनाम हो जाए तो उसके घर कोई रिश्ता नहीं आएगा, और लड़का उसके लिए आने वाले रिश्तों में कभी कोई कमी नहीं। हमारे समाज के हर तबके में ये नाइंसाफी बहुत आम है। क्यों? आपकी और मेरी वजह से, क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि ऐसा ही होता आया है और जो होनी है उसे कौन बदल सकता है। इस नाइंसाफी का तोड़ क्या है? आप, मैं और हम जैसे सब। बस एक सोच बदलने की देर है। जरा सी सोच दुनिया बदल सकती है। फैसला आपके हाथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही निर्णय लेंगे। याद रखिएगा, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सकती हूँ एक नई जान को सांसों में भर सकती।